पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अभी त्यौहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान वोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय और स्वदेशी सामानों को ही खरीदें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर चीन की हाल ही की गतिविधियों को लेकर उन्हें घेरा। संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना महामारी के संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए। विजयादशमी के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी, कहा कि आज के दिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प। भूपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव के लिए प्रचार किया, जीत का दावा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया, कहा बड़ौदा में बीजेपी नंबर वन पर है, बड़ौदा के पास सत्ता में भागीदारी करने का सुनहरा मौका है, दीपावली तक बाजरे की खरीद पूरी कर ली जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदूषण को लेकर भारत के बजाय अपने देश की चिंता करें, भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिंता कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कैप्टन अमरिंदर शहीद होना चाहते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं। रोहतक में सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की संयुक्त छापेमारी, टीम ने पटाखों के गोदाम में छापा मारा, लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए, फैक्ट्री में बिना लाइसेंस रखे गए थे पटाखे। सीएम फ्लाइंग ने मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, मिलावटी अचार फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, फैक्ट्री के गटर से सैकड़ों टन खराब अचार बरामद, अचार में पड़ रहे थे कीड़े, मौके पर ही किया गया नाश। पलवल में आपसी रंजिश और जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। मृतक युवक के पिता ने बताया कि दहला का गांव में उसकी पत्नी के नाम पर जमीन है, इसे लेकर के सिंगराम नाम के व्यक्ति से उसकी रंजिश चल रही है, इसके चलते उसके बेटे की हत्या की गई। के सेक्टर 20 में हथियारों के दम पर बदमाशों ने तीन युवकों से लूटपाट की, चाकू से बांध कर सोने की चेन और पैसे से भरा बैग लूट लिया, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। नौहान जिले के पाटुका ग्राम पंचायत की महिला सरपंच विकास की इबारत लिख रही हैं, महिला प्रधान गांव की महिलाओं को भी बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा शिक्षा पर फोकस करने पर ध्यान दे रही है। गांव की प्रधान अंजुमारा के प्रयासों से गांव के स्कूल में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भी बनाए गए। फरीदाबाद में बनुवाल रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने रोज गार्डन दशहरा मैदान में साइकिल रैली का आयोजन किया, इसमें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुप्रिटेंडेंट विनोद गौड़ और महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। पलवल के मंडियों में धान कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। पुलिस के अमर शहीद जवानों की याद में झज्जर पुलिस 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस फ्लैग डे मना रही है, पुलिस ने शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए। रितला से विधायक और हरियाणा के वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि युवा बुजुर्गों की अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए समाज के भले के लिए काम करें। पलवल में कोरोना महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसला देने के लिए बाल कल्याण परिषद की ओर से ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव चंडीगढ़ हेडक्वार्टर के बाल कल्याण अधिकारी डीके गौर ने दौरा किया, जहां की बाल महोत्सव को लेकर बच्चों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। रेलवे पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल ने बताया कि यमुनानगर में त्यौहारों के मद्देनजर स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, हर आने जाने वाले वाहनों पर लोगों पर नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम के पटौदी में पिछले 28 सालों से प्रतिवर्ष रावण का किरदार निभाने वाले दिनेश वशिष्ठ रामलीला नहीं होने से निराश हैं, इस साल कोरोना के चलते रामलीला नहीं हुई, वरना यह रामलीला गुरुग्राम की सबसे बड़ी रामलीला होती है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4,29,00,000 के पार चले गए हैं, अब तक 11,54,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते, पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं।
देश में कोरोना पर लग रही लगाम, 24 घंटे में सामने आए 50,129 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 78,64,811 के पार, अब तक 1,18,534 की मौत। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,57,000 के पास चला गया। पिछले 24 घंटे में 1,299 नए मरीज मिले, 15 की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 10,148 से ज्यादा। सिरसा में कोरोना संक्रमित 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, 65 नए केस मिले और 86 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब मरने वालों की संख्या 78 हो गई।